हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर से मेरी बात हुई थी और जैसा मैंने बोला था कि वहाँ पे मेरे सीनियर्स अवेलेबल हैं, इवन जूनियर्स भी अवेलेबल हैं जो वहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कोई पीएचडी कर रहा है। तो मैंने जो रिकॉर्ड आपका थर्ड राउंड का आने वाला है और जो यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में उनसे बात करी थी, डिस्कस किया था। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चली हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड राउंड हुए हैं उसके बारे में अगर सेकेंड राउंड का देखा जाए तो बच्चों ने अपग्रेड किया है, जिसका रिजल्ट आने वाला है 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को देखो, आज शाम तक का ही आप लोग उसको कंफर्म कर देना, उसके बाद आपका 3 सितंबर में आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद वहां पे ये बोला गया है कि मतलब वो जैसे बोल रहे थे कि ब्रो, यहां पे अभी सीट्स तो काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना क्लियर कट कि यहां पे जो ऑनलाइन डाटा होता है और जो ऑफलाइन डाटा होता है उसमें डिफरेंस होता है काफी ज्यादा। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे यही बोला था कि भाई यहां पे अभी सीट्स अवेलेबल हैं। उसने बोला कि 20-21,000 तक की यहां पे सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। इसका मतलब आपका थर्ड राउंड में चांस बन सकता है और मैंने ये भी बोला है कि आपको लास्ट टू लास्ट तक जरूर से चांस बनेगा, आपको बस वेट करना है, आपको पेशेंस के साथ में बैठे रहना है, आप बस वेट करो और आपको यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम मिलेगा, मतलब प्रोग्राम के साथ साथ आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब आप पूछ रहे थे कि मैम, हमें ये कॉलेज, ये जो हमें प्रोग्राम मिला है ये तो हमें चाहिए नहीं था और हमें पसंद नहीं है, बहुत सारे कल लाइव के जो क्वेश्चंस आए थे। तो फिलहाल जो अभी सीनियर्स ने बोला उसके बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पे अभी उन्होंने तो बोला है कि सीट्स अवेलेबल हैं अंकिता, अब देखते हैं आगे का प्रोसेसर क्या होता है, उन्होंने ये चीज़ बोली है। दूसरी बात, जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारा जो प्रोग्राम मिला है वो हमें मतलब मनपसंद नहीं है, हम नहीं चाह रहे हैं, तो क्या आगे का क्या प्रोसीजर हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका प्रोग्राम सही नहीं मिला है, तो मैंने उनको डुअल डिग्री के बारे में एक ऑप्शन दिया था। दूसरी बात, अगर इनकेस तब भी अगर आपको नहीं करना, डुअल डिग्री नहीं करना, तो फिर आप छोड़ करके यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेन प्रोग्राम मिल रहा है, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मतलब जो ड्रीम प्रोग्राम है, तो आपको किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से वो आपका ड्रीम प्रोग्राम, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन बीएससी में करना चाह रहे हो, बीए में नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर बीए मत करो, फिर आप डायरेक्ट जाकर के बीएससी करो, अगर आप डुअल डिग्री नहीं कर सकते। वरना आप डुअल डिग्री भी कर सकते हो, एक जगह पे आप बीएससी फिल कर दो, एक जगह पे आपका जो मिल गया है वो कर लो और ये डुअल डिग्री आप कर सकते हो, ये चीज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी क्लियर कर दिया है। तीसरी बात ये कि बच्चों ने ये बोला था कि मैम मतलब बहुत सारे मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैंसिल करने के भी मूड में हैं, क्योंकि देखो अगर साइंस वाला बच्चा यहाँ पे आ रहा होगा जिसको साइंस चाहिए होगा, वो ऑब्वियसली बीए हिंदी वगैरह या आर्ट्स वगैरह नहीं लेगा, उसके मार्क्स कम होने की वजह से उसको प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट मिल रहा है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बच्चे कई सारे विड्रॉल भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो बच्चे बैठे हो उनको चांस मिल सकता है। कई सारे बच्चों ने बोला कि जिनका हमारा भी चांस नहीं मिल पाया है, क्या वो मिड एंट्री में, अगर मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि क्या हम मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर विड्रॉल वाले बच्चों ने पूछा था कि मैम विड्रॉल कर चुके हैं, क्या हम मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप जो बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ और सिर्फ वो बेटा यहाँ पे मिड एंट्री कर सकते हैं। जैसे अब बोलते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, आप बिग बॉस तो देखते ही होंगे, तो उसमें बीच में जो एंट्री होती है ना, बस ये कहीं ना कहीं वही है। तो ये बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे मिड एंट्री के लिए बोला गया है। और यहाँ पे कई सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम जैसे हमारा इतना कम मार्क्स है और अभी हमें फर्स्ट सेकंड में चांस नहीं मिला है, तो क्या थर्ड में मिल जाएगा? हाँ जी, आपको थर्ड में मिल जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे थर्ड में अपग्रेड का ऑप्शन आ जाए तब आपको समझना कि आपका फोर्थ राउंड आ सकता है, अदरवाइज अभी मत समझना। देखो, वैसे फोर्थ राउंड आने का चांस है तो ऐसा क्लियरेंस है, और कई सारे बच्चे बोल रहे थे मैम अपग्रेड हो नहीं रहा है, तो देखो भैया वहाँ पे लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करके देखो, अगर तब भी अपग्रेड नहीं हो रहा तो जो कॉलेज मिला है बेटा उनको फ्रीज कर लो, जिनको सीट मिल रही है वो सीट एक्सेप्ट करके ही आगे सीट कर देना, भले आगे लो ना लो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे अगर स्पॉट राउंड में अगर मूड बनता है कि हाँ चलो हमें मिल जाए कोई बात नहीं यही मिल जाए, तो स्पॉट राउंड में फिर आपका नाम नहीं आएगा। अगर आप एक्सेप्ट करके सीट छोड़ते हो तो आपका नाम आ जाता है, अगर एक्सेप्ट करके नहीं छोड़ते हो तो ऐसा होता है कि आपको सीट अलॉट करी गई है लेकिन आपने उस पर कोई फोकस नहीं किया है, आपने ऐसे छोड़ दिया है, है ना, इसलिए आपका यहाँ पे राउंड जो आने वाला होता है आगे उसमें चांस नहीं बन पाता है। तो ये कुछ डिटेल वीडियो थी और इसमें बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम हमारा ये जो रिजल्ट है, जो ये ईसीए वाले बच्चे थे और स्पोर्ट्स और ये वार्ड कोटा वाले बच्चे थे, तो उनका जो फर्स्ट प्रोग्राम आएगा वो आएगा ये 3 तारीख को, और सेकंड जो फेज आएगा वो बेटा 11 तारीख को आएगा, और 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में आप मिड एंट्री कर सकते हो और 7 तारीख में ही वैकेंसी आएगी। तो ये सारा प्रोसीजर हम आपको बता देंगे, चैनल को कर लो सब्सक्राइब जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो, क्योंकि अभी 7 तारीख आएगी तो उस टाइम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, तो उसके बारे में भी हम वीडियो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के बारे में प्रोवाइड कर देंगे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम अगर आगे हो रही है तो चैनल को
जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता नहीं होंगी तो फॉर्म में आप गड़बड़ कर दोगे, फिर आगे प्रोसेसर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अभी अब मैं स्कॉलरशिप का भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, स्कॉलरशिप भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके बारे में हम स्कॉलरशिप का वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख लेना जरूर से। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहना, आप बस भले नहीं सब्सक्राइब करना लेकिन अपडेटेड रहना। जो बच्चे पूछ रहे थे मैम क्या करें नेक्स्ट क्या करें, तो नेक्स्ट वाले बच्चे सारे आ करके वीडियो को देखते रहना, चैनल को अपडेट देते रहना, और यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होता है उसको देखते रहना, क्योंकि यहाँ पे जो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते हो ना उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में दे देते हैं। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री फंड में और कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब कर लोगे तो आप जब कॉलेज जाओगे तो उस टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर जब आप प्रोग्राम में जाते हो तो प्रोग्राम में आपको जो सिलेबस चाहिए होता है वो सारा सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा जब एडमिशन हुआ था बीएड में, मैंने बोला था कि बीएड में मेरा एडमिशन हुआ था, तो उस टाइम पे भी कई सारे लोग से कनेक्ट हुई थी, तो उससे रिलेटेड जब भी आपका यहाँ पे जो जो चीजें मुझे मिलेंगी तो उससे रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उनके सीनियर्स और जो जूनियर्स हैं उनसे सबसे मैं कनेक्टेड हूँ, तो इस वजह से मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।